नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है और मैं मनोज पंडित। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और आपको सीखने को मिलेगा कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे बनता है और इंटरनेट किसने बनाया। इन तीन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंटरनेट का इतिहास और इंटरनेट की उपयोगिता और इंटरनेट के फायदे और नुकसान। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे बनता है और इंटरनेट किसने बनाया। और अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट किसे कहते हैं, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है और हम जानने का प्रयास करेंगे कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा जाल है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ऐसा नेटवर्क जिसमें इतने सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं जिनकी गिनती करना किसी के बस की बात नहीं है। ये नेटवर्क और सर्वर के माध्यम से किसी भी कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जाता है। टेक्निकल भाषा में कहें तो इंटरनेट पूरी दुनिया को जोड़ने वाला ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जो डाटा को अलग अलग जगहों से आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के कंप्यूटर में ट्रांसमिट करता है। जब पूरी दुनिया के कंप्यूटर जुड़ के एक नेटवर्क बनाते हैं तो उसे ग्लोबल नेटवर्क बोला जाता है। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो दुनिया के किसी भी हिस्से से हो सकता है और वो डाटा पूरी दुनिया के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। दुनिया में जितने भी वेबसाइट होते हैं या वीडियो होते हैं उसके सारे डाटा को नेट में सेव व स्टोर करके रखा जाता है। जिस जगह स्टोर करके रखा जाता है उसे ही वेब होस्टिंग कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता कि वेब होस्टिंग क्या है और कैसे काम करता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम इन दोनों वीडियो के बाद तीसरा वीडियो हम बनाने का कोशिश करेंगे कि वेब होस्टिंग क्या है और कैसे काम करता है। नेट में डाटा को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए राउटर और सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर जोड़ने के बाद बना हुआ है। इस नेटवर्क में हर तरह के मीडिया फाइल्स को ट्रांसमिट करके करने के लिए आईपी एड्रेस इसका मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ मैं आपको इंटरनेट से जुड़ी कुछ रोचक बातें बता रहा हूँ जिसे आपको नेट क्या है ये समझने में आसानी होगी। आपके नेट के बारे में कुछ नॉलेज बढ़ जाएगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इंटरनेट पूरी दुनिया के कंप्यूटर से जोड़ने के बाद बना हुआ बहुत बड़ा नेटवर्क है जिससे डाटा को एक कंप्यूटर से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में भेज और रिसीव कर सकते हैं। जब कुछ कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे नेटवर्क बोला जाता है। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क जब मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं तो ये ग्लोबल नेटवर्क बन जाता है। इसे दूसरे शब्द में वर्ल्ड वाइड नेटवर्क भी बोला जाता है। नेट से जुड़े हुए हर कंप्यूटर की अलग अलग पहचान होती है। इस स्पेशल पहचान को आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। आईपी एड्रेस नंबर का एक यूनिट सेट होता है, हर कंप्यूटर के लोकेशन को डिजाइन करता है। इस आईपी एड्रेस को डोमेन नाम के इस्तेमाल से एक नाम दे दिया जाता है, जैसे example.com या government.gov.in या कोई भी .in या .com जो भी हो, यह एक डोमेन नाम होता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हम तो कंप्यूटर को स्विच ऑफ भी करते हैं जबकि वेबसाइट को कभी भी खोलते हैं तो खुल जाता है। तो यहाँ जानने वाली बात ये है कि जो कंप्यूटर्स वेबसाइट को स्टोर करते हैं उसे सर्वर कहा जाता है। सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो हमेशा वन
रहता है, 24 घंटा सातों दिन वेबसाइट चलती रहती है। इसके लिए सर्वर को हर वक्त चालू रखा जाता है। सर्वर रूम साइज में काफ़ी बड़ा होता है, जहाँ पर सर्वर सिस्टम को रैक में रखा जाता है। ये सर्वर 24 घंटा लगातार काम करते रहते हैं। अभी जो आपने सुन रहा था, इंटरनेट क्या है या इंटरनेट किसे कहते हैं, अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और आपको बताने का कोशिश करते हैं कि इंटरनेट कैसे बनता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताने का कोशिश करते हैं। ये सुनकर कभी कभी काफ़ी अजीब लगता है कि आखिर ये इंटरनेट कैसे बनता है, जिसका इस्तेमाल कभी भी वो दुनिया के किसी भी हिस्से से या कोने से किया जा सकता है। मैं आपको यहाँ इसी की जानकारी देने वाला हूँ, जो कि कुछ और नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर से जुड़ने से बना हुआ जाल है। वेबसाइट, ब्लॉग, ऑनलाइन ऐप और ऑनलाइन गेम जो हम खेलते हैं, ये जिस कंप्यूटर में स्टोर किए जाते हैं उसे सर्वर कहा जाता है, और ये 24 घंटे सातों दिन यानी हमेशा ऑनलाइन रहता है। सर्वर की सुविधा वेब होस्टिंग कंपनियां देती है, जो 99.999% ऑफ टाइम यानी कि उसका सर्वर वाला कंप्यूटर दिन रात हमेशा ऑनलाइन रहता है। पूरी दुनिया के सर्वर को केबल के द्वारा जोड़े हुए रहते हैं, जिसे फाइबर ऑप्टिक्स केबल कहा जाता है, जिसके अंदर डाटा आने और जाने दोनों की सुविधा होती है। और इसके केबल की थिकनेस की बात करें तो ये इंसान की बालों के बराबर होती है। ये काफ़ी स्पीड से डाटा को ट्रांसफ़र करने में मदद करती है। इस तरह से नेट का सारा जिम्मेदारी इन्हीं केबल्स पर होता है, क्योंकि इन्हें महासागर के अंदर से बिछा कर ले जाया जाता है, और इस तरह ये दुनिया में फैली हुई इंटरनेट की सुविधा बनती है। इंटरनेट के लिए सैटेलाइट का योगदान काफ़ी कम है, इसका अधिकतर भाग पूरी दुनिया में सिर्फ महासागर के अंदर बिछे हुए केबल के वजह से है। यही वजह है कि पहले इंटरनेट की सुविधा सिर्फ टेलीफोन लाइन के द्वारा दी जाती थी, लेकिन आज टेलीकॉम कंपनियां लोगों को स्मार्टफोन में इस्तेमाल करने के लिए सैटेलाइट के जरिए नेट का इस्तेमाल करने की सुविधा देती है। ये वीडियो बहुत ही लेंदी होता जा रहा है, इसीलिए हम वो जो इंटरनेट की इतिहास है वह हम अगले वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। और इंटरनेट की उपयोगिता और इंटरनेट के फायदे और नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप हमारे वीडियो को देख सके। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो लेकर के, तब तक के लिए।